डेफ एंटर टू नंबर्स, कौन सा स्टेप भाई? समय स्टेप बताओ, स्टेप नंबर बोलो। स्कैन एफ, प्रिंट एफ में क्या लिखा मैंने? एंटर टू नंबर्स, फिर से देख लो समय, एक बार फिर से देखो, मैं वापस बता रहा हूँ। स्कैन एफ, एंटर टू नंबर्स, तो मैं दो नंबर अगर मुझे इनपुट करवाने हैं तो मुझे दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा और दो बार एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिखना पड़ेगा। याद रखो एक बार में एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है, तो परसेंट डी बिना स्पेस, बिना कॉमा, बिना कोई स्पेशल सिंबल और बिना किसी घमंड के लिखो दो बार परसेंट डी। ठीक है, ये परसेंट डी और ये परसेंट डी, हर एक परसेंट डी एक सिंगल वैल्यू रिट्रीव करेगा, इन्फॉर्म करेगा कंपाइलर को कि यू हैव टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू फॉर अ सिंगल वेरिएबल, और दूसरा परसेंट डी भी यही बोलेगा। अब मुझे इसे एड्रेस वेरिएबल्स में भेजना है तो ऑर्डर मायने रखता है, तो एड्रेस ऑफ नंबर कॉमा फिर से एड्रेस ऑफ अनदर नंबर, इससे क्या होगा? ये परसेंट डी जो भी कीबोर्ड से वैल्यू रिट्रीव करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और ये परसेंट डी इसमें स्टोर करेगा। अगर मैं दोनों की जगह बदल दूं तो नंबर भी फिर उसी अकॉर्डिंग स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो एंटर टू नंबर्स, मैंने नंबर डाला पहला 65, दूसरा नंबर डालने के लिए मैंने एंटर प्रेस किया 90, हो गया, दो नंबर्स इनपुट हो गए और वो दोनों नंबर्स जो हैं, जो 65 है वो गया नंबर के अंदर और जो 90 है वो गया अनदर नंबर, पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया ना। चिराग पर स्पेस डाल वगैरह ये सब सकते हैं, पर अभी के लिए मैं, अपन सीख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइमिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी कुछ नहीं, अभी स्पेस भी नहीं, इतना सा भी नहीं, बाद में सब सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि स्कैनर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा पावरफुल फंक्शन है और काफी यूजेस हैं इसके, बट अभी अपन फर्स्ट टाइमर्स हैं तो अपन बिल्कुल बेसिक कवर कर रहे हैं। एक बार अपन प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो जाएं तो आप नोटिस करना कि काफी सारी चीजें रिपीट होंगी एडवांस लेवल। पहले अपन बिगिनर लेवल क्लियर कर लें फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्कैनफ समझ में आया होगा। मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करता हूं बाय प्रिंटिंग दी वैल्यूज ऑफ, क्या लिख रहा था मैं, प्रिंट एफ। अब आप इस प्रिंट एफ पर नजर डालो, प्रिंट एफ देखो, अभिनंदन पूछ रहे हैं वॉइस नो क्लियर, एक बार यार कंफर्म करो बाकी स्टूडेंट्स, वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है ना? रोहित भी कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है, मैं कनेक्शन देखूं। रिस्पॉन्स क्लियर है ना? अरे यार क्लियर तो है, ठीक है अभिनंदन और रोहित, यार एक बार आप अपने कनेक्शंस चेक करो प्लीज, क्योंकि रिमेनिंग स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज प्रॉपर आ रही है, एक बार आप अपनी कनेक्टिविटी देखो, हो सकता है आपके साइड एंड पे प्रॉब्लम हो। अब आप देखो 13th नंबर लाइन पे नजर डालो, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है, परसेंट डी परसेंट डी, बिना स्पेस के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने हैं। क्या लिखना था, क्या नाम था, अनदर नंबर। अब मैं जब इसे रन करता हूँ, क्लियर कर देते हैं इसको, तो देखो दो नंबर्स मुझसे मांग रहा है, मैंने इस बार डाला 90 और दूसरा नंबर डाला 87, तो देखो वो आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट देखो 9087। आप इसको, आपको एक एक सिंगल नंबर दिख रहा है ये, आप कहोगे सर 9087, वो इसीलिए क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में स्पेस नहीं दिए, प्रिंट एफ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आप उसे चाहते हो। तो देखो मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा रहा हूँ, फिर से रन करते हैं, 90 एंटर 87, अब देखो 90 और 87 अलग आ रहे हैं। आपको याद है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको बताया था बैक स्लैश एन, ये देखो ऐसे, फिर से रन कर रहा हूँ 90 87, अब देखो 9087 कैसा लिखा आ रहा है। बैक स्लैश एन के साथ एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था बैक स्लैश टी, टैब, TAB, 9087, देखो अब कैसे आ रहा है 90 और दो स्पेसेस, टैब का मतलब यहाँ पे दो स्पेसेस हैं, तो दो स्पेसेस
आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेरी आई है, ऑटोमेटिक क्लास डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक बार बच्चे आप अपना थोड़ा कनेक्शन चेक करो, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो एक्टिव है और किसी भी तरह का अनस्टेबल अनस्टेबिलिटी दिखा नहीं रही है, इनस्टेबिलिटी दिखा नहीं रही है। एक बार आप थोड़ा कनेक्शन चेक करो प्लीज अपना, डोंट वरी, 1-2 मिनट बाद अपने आप सही हो जाएगा। ओके, एक और क्वेरी है, कोड ब्लॉक्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू बैक स्लैश एन। बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता है, आपको कंपाइलर सी का सेट करना होगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके। हो सकता है आपने सी प्लस तो किसी और लैंग्वेज का कंपाइलर सेट, हालांकि सी प्लस प्लस भी बैक स्लैश एन सपोर्ट करता है, पर ये याद रखना कि इसको सिर्फ प्रिंट एफ में यूज करना होता है, स्कैन एफ में यूज नहीं करना। बिल्कुल, बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस ही होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ये होते हैं, परसेंट डी, परसेंट टी, परसेंट एफ वगैरह। बिल्कुल, 2 बार स्पेस दोगे तो 2 बार ही आएगा। ये देखो, ये लो, मैंने इतने सारे स्पेस दे दिए, प्रिंट एफ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप चाहते हो। ये देखो 90 और 87 के बीच में स्पेस देखो आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। प्रिंट एफ मेरे यहाँ लिखने का मकसद ये था, मैंने लिखा नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा अनदर नंबर इक्वल टू परसेंट डी। अब थोड़ा आउटपुट देखना कितना मीनिंगफुल आएगा, 90 और 87, देखो नंबर इक्वल टू 90 और अनदर नंबर इक्वल टू 87। बैक स्लैश टी टैब होता है, टैब टैब दबाते हैं ना अपन, कभी कंप्यूटर ओपन करके उसमें टैब दबा के देखना, अपने आप पता चल जाएगा टैब क्या होता है, 5-6 स्पेसेस। डबल स्पेस देखो वो डिपेंड करता है, कई जगह 5 स्पेस होते हैं, कई जगह 8 होते हैं टैब का मतलब, कई जगह 2 स्पेस, जैसे यहां मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे टैब का मतलब 2 स्पेस है, वो इसीलिए क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इंडेंट साइज 2 दे रखा है, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये बढ़ जाए, कंट्रोल कर सकते हो मतलब आप। आपको ये 13th नंबर लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये सबसे जरूरी है, बहुत अच्छा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, मैं अपने वेरिएबल्स को थोड़ा मीनिंगफुल, चलो वापस से ही बना देता हूँ। चलिए अब अपने एक्चुअल फर्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, दिस इज द प्रोग्राम। कैसे होता है राइट, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऐसे होते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कैलकुलेट नहीं परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसको राइट ए प्रोग्राम को अपन WAP लिखते हैं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड परफॉर्म कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसके लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, इंट, ये अपन प्रोग्राम कर चुके हैं पर अपन इस बार इसको स्कैन अप से करेंगे, फर्स्ट इंट, सेकेंड और इंट सम कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई और फ्लोट में डिवीजन। अब मुझे इनको इनपुट लेना है, तो प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर। ये कल वाला प्रोग्राम मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि स्कैन एफ अपन पूरी तरह से कर पाए, परसेंट डी परसेंट डी नो स्पेसेस एंड फर्स्ट कॉमा एंड सेकेंड, ये मेरे 2 नंबर इनपुट हो गए। अब मुझे कैलकुलेशंस परफॉर्म कराने, तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब देखिए ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने लिखी है ना, जो आप हमेशा से लिखते आए हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसके लिए भी एक टर्म है, ये जो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन।
बिल्कुल क्वेश्चन है, ये सारे ऑपरेशन सी कंपाइलर में बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी सी कंपाइलर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये ऊपर देख रहे हो आप, ये जो लिखा हुआ है ये देखो, सी लैंग 7 pthread, ये कंपाइलर का ही तो नाम है। मैं सम निकाल रहा हूँ और डिवीजन, इक्वल्स टू फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। पूरा प्रोग्राम आप खुद करें, मैंने सिर्फ सम और डिवाइड दिया क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। प्रिंट एफ, अब आप नोटिस करें, परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा सम। क्लियर? अब थोड़ा प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। दो नंबर्स मुझसे मांग रहा है, मैंने धरा 12 और 20, तो आप देखो आ रहा है 12 प्लस 20 इक्वल टू 30, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ में सिर्फ अभी डिवीजन नहीं प्रिंट किया, सिर्फ सम प्रिंट किया है। तो डिवीजन करने के लिए DI, कहाँ फॉल्ट आ रहा? अच्छा हाँ सॉरी, परसेंट एफ आएगा। परसेंट एफ क्यों आएगा? क्योंकि DIV जो है वो फ्लोट है। 12 20, ठीक है। अब आप देखो कि 12 प्लस 20 इक्वल टू 32। अब आपको लग रहा है ये 3212 है, वो इसलिए क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में उसे नहीं लेके आया, तो बैक स्लैश एन, फिर से 12 20। ये देखो ये तो सही आ रहा है पर ये गलत आ रहा है, क्यों? बिल्कुल सही जयप्रकाश, क्योंकि दो इंटीजर्स पे कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है और डिवीजन फ्लोट है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप कास्टिंग। कल तक अपन जो टाइप कास्टिंग बात कर रहे थे वो ऑटोमेटिक थी, आज मैं आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में बताऊंगा। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है? टारगेट डेटा टाइप और फिर एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह से। ये क्या करता है, जो आपके एक्सप्रेशन है ना उसको टारगेट डेटा टाइप में कैलकुलेट करते हैं। कल मैंने अपन ने देखो फर्स्ट सेकंड का डेटा टाइप चेंज किया था, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का डेटा टाइप भी चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही चीज बदलूंगा। देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इसके आगे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 15th नंबर लाइन पे ध्यान दो सारे, और यहां लिख देता हूं फ्लोट। बस इससे ये होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड है एक्चुअली सिर्फ फर्स्ट फ्लोट में इवैल्यूएट होगा और रिजल्ट आपका टोटल किस में आएगा? फ्लोट में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्लोट हो जाएंगे, नहीं, ट्वेल्व ट्वेंटी देखो इस बार रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, 12 डिवाइडेड 20 इक्वल टू 0.6000, इतना ही होता है। दूसरे नंबर्स पे ट्राई करते हैं, 7 और 13, ये देखो 7 और 13 का आउटपुट देखिए, 0.353846, ठीक है। तो हाईलाइट क्या है अपना, ये देखो टाइप कास्टिंग देख रहे हो आप, ये टाइप कास्टिंग है। कैसे किया? टारगेट जिस जिस डेटा टाइप में आपको रिजल्ट चाहिए उसका मैंने डेटा टाइप ब्रैकेट में लिखना है, और एक्सप्रेशन, यस दिस विल ओनली चेंज द रिजल्ट फॉर डिवीजन नॉट फॉर सम। देखो मैंने ऊपर कहीं डेटा टाइप चेंज नहीं किया है, जैसे मैंने कल किया था ना मैंने डेटा टाइप चेंज, पर आज मैंने नहीं किया बिकॉज मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूं ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल, तो रिजल्ट भी किसमें आएगा? फ्लोट में। समझ में आया? सब इक्वल्स टू फर्स्ट माइनस सेकंड और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू फर्स्ट इनटू सेकंड,
ये हो गए आपके सारे एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको ये वाला प्रोग्राम समझ नहीं आया हो, कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो मुझे अभी बताओ, अपन उसको डिस्कस करेंगे। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में भी सेंड मी वीडियो लिंक। वीडियो लिंक किसका भेजना है, किसका भेजना है? इस वीडियो का। भाई रिकॉर्ड तो होने दे भाई अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड होएगी, ये रिकॉर्ड होएगी। और मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा, ये आप आर्या कॉलेज के यूट्यूब पेज पे देख सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब जाओ और सर्च में आर्या कॉलेज लिख लेना, उसमें आपको सारे वीडियोस फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप रिव्यू कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, इलेवेंथ लाइन, इलेवेंथ लाइन देखो, इलेवेंथ लाइन है स्कैनएफ, दिस इज नोन एज इनपुट फंक्शन। ये क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है। ये दो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा होता है वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। तो जिन जिन वेरिएबल में मुझे डेटा भेजना है कीबोर्ड से, उसका मैं एड्रेस स्पेसिफाई करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, एंड फर्स्ट मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इसका, और एड्रेस ऑफ सेकेंड मतलब इस वेरिएबल में मुझे दो इंटीजर वैल्यूज भेजनी है जो कि स्पेसिफाई हो रही है परसेंट डी और परसेंट डी। अगर मुझे तीन करनी होती तो तीन बार परसेंट डी लिखता और तीन वेरिएबल के नाम, ठीक है। अच्छा अभिषेक, आपको वो सी की स्लाइड्स नहीं है, मैंने आप लोगों को याद होगा एक लिंक सेंड किया था जिसमें सारी स्लाइड्स थी, एक बार वो प्लीज जिसके पास वो लिंक है चैट में पेस्ट कर दो। स्टूडेंट्स जिसको उनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास वो लिंक अवेलेबल नहीं है, तो जिनके पास वो लिंक है वो एक बार चैट में पेस्ट कर दो यार। ओके, थैंक यू लक्षिता। जो रिमेन स्टूडेंट्स हैं जो कि स्लाइड नंबर चैप्टर नंबर 21 वगैरह मांग रहे थे अभिषेक, वहां लिंक आ गया है चैट पे, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। एक और लाइन स्टूडेंट को समझनी है, लाइन 16। ओके, टाइप कास्टिंग, इसमें देखो अगर मैं इसे हटा देता हूं तो जो फर्स्ट है वो इंटीजर वेरिएबल है, सेकेंड है वो भी इंटीजर वेरिएबल है, तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा, जबकि डिवाइड में रिजल्ट डेसिमल्स में आता है कई बार। तो मैं क्या करूंगा, इसको टेम्पररली इस एक्सप्रेशन को या इसमें एक जो वेरिएबल है उसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए डेसिमल में। डेसिमल का डेटा टाइप होता है फ्लोट, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इससे ये होगा कि ये जो इवेल्युएशन का रिजल्ट जो आएगा ना वो फ्लोट में आएगा और डिविजन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन नंबर 16 का मतलब है, ये मैंने इसीलिए लिखी है ताकि जो रिजल्ट है वो फ्लोट में प्रोड्यूस हो। इसका सिंटैक्स देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, ओके। और एटीन नंबर लाइन में क्या दिक्कत है, 18 नंबर लाइन में मैंने रिजल्ट प्रिंट ही तो किया है। देखो ये परसेंट डी फर्स्ट की वैल्यू लेके आएगा, फिर प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा परसेंट डी सेकेंड की वैल्यू लेके आएगा, फिर इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा परसेंट डी सम की वैल्यू लेके आएगा, और आपका रिजल्ट देखो कुछ ऐसे आएगा स्क्रीन पे, देखो राइट हैंड साइड 7 + 13 = 20। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो भी रिजल्ट आएगा पर इतना इंटरेक्टिव और अच्छा नहीं होगा। जैसे देखो 6 और 8, तो इसका रिजल्ट आया 14। नीचे वाले प्रिंट एफ में और ऊपर वाले प्रिंट एफ में, 18th और 19th वाले प्रिंट एफ में देखो जमीन आसमान का अंतर है, कौन सा ज्यादा रीडेबल है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है और मीनिंगफुल है। दोनों में से जो भी आपको सही लग रहा है आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
अमन, जो आपने सवाल पूछा है इसके लिए अपन को स्कैनएफ को बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको यही जवाब दूंगा कि हाँ, वो ऑटोमेटिकली बैक स्लैश एन ले लेता है। या तो आप स्पेस दो या एंटर प्रेस करो दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, है ना? जैसे मैं आगे प्रोग्राम को रन करता हूँ, मुझसे दो नंबर मांग रहा है, पहला नंबर डाला मैंने 8, अब मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ 9, स्पेस दबा रहा हूँ, तो भी वो रीड कर लेगा दो नंबर। स्पेस और एंटर वो उसकी लिमिट है। अब वो ऐसा कैसे कर रहा है ये अपने है ही नहीं सिलेबस में, ऐसे समझ लो उसको, ठीक है? बट फिर भी कभी अपने पास फ्री टाइम होगा तो अब मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा कैसे करता है। बट फॉर नाउ यस यू आर राइट, बैक स्लैश की इंपॉर्टेंस स्कैनएफ में यही है कि एंटर प्रेस करने पे वो नेक्स्ट वेरिएबल पे शिफ्ट हो जाता है। राहुल, ये आपको कॉलेज में मिल जाएगा जब आप कॉलेज आओगे ना तब, अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, ओके? बट अगर आपको कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम शेयर करना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे चैट में भेज सकते हो, मैं रिव्यू कर लूंगा। हाँ ऋषभ, देखो अगर मैं यहाँ पे 19th नंबर लाइन में, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, तो आपको क्या लगता है मल्टीप्लाई होगा क्या? देखो 0.92, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम डीआईवी लिखा है तो रिजल्ट डिवीजन का ही आएगा। प्रिंट एफ में मैं क्या लिखता हूँ उससे कैलकुलेशन का कोई लेना देना नहीं है, ओके? प्रिंट एफ में मैं क्या लिखता हूं उसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? वेरिएबल से। यहां पे देखो मैं अगर डिवीजन को यहां पे सम कर देता हूं तो वो सम का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे यहां पे मल्टीप्लाई लिखा हो, जैसा कि मैंने कल बताया था। कौन सी वेबसाइट पे? अपलोड डज नॉट एग्जिस्ट। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे। एक और क्वेश्चन है, डिवीजन एंट में नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई, आप एंट में करो, पर डिवीजन अपन कभी कभार डेसिमल भी आंसर आ जाते हैं ना। हाँ 3 नंबर से तो 3 बार परसेंट ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही राहुल, आपने मल्टीप्लाई का बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा स्लाइड्स अपलोड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर उसे रीअपलोड करके आपको कल भेज दूंगा, ठीक है? कल वाले सेशन में मैं आपको भेज दूंगा। समझ गया मैं, ये जो लिंक काम नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, मैं आज अपलोड कर दूंगा और कल आपको नया लिंक भेज दूंगा। अब 2 मिनट के लिए अपने डाउट साइड में रखो, अपन इसी प्रोग्राम पे फंसे रह गए। एक और प्रोग्राम करते हैं, इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंट प्रिंसिपल फ्लोट रेट, रेट होते हैं डेसिमल में होती है, और इंट टाइम, ठीक है? प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। अब स्कैनएफ देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, स्कैनएफ मैं नहीं लिख रहा, आप बताओ मुझे चैट में बताओ कैसे आएगा स्कैनएफ। एक और वेरिएबल मुझे चाहिए, इंटरेस्ट। स्कैनएफ बताइए क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ब्रैकेट में पूरा डिवाइड बाय 100, ठीक है? अरे प्रिंट एफ का फॉर्मूला तो मेरे को भी आता है, स्कैन एफ बताओ क्या आएगा, पहले वो सवाल पूछा था मैंने। स्कैन एफ में क्या आएगा, और फिर फाइनली रिजल्ट प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ इंटरेस्ट इज परसेंट एफ कॉमा इंटरेस्ट,
तीन वेरिएबल्स हैं मेरे पास, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो, लक्ष्य थोड़ी सी मिस्टेक है। ना ना, आपने राहुल, आपने सिर्फ प्रिंसिपल इनपुट लिया है, तीनों चाहिए मुझे एक सिंगल से एनएफ में। अमन, प्रिंसिपल भूल गए आप? हाँ, अब सही है, चिराग का सही है। लोकेश, पूरा लिखो आंसर। अच्छा ऋषभ, थैंक यू। जिनको सी पीडीएफ चाहिए, सी का पीडीएफ, वो चैट में ऋषभ ने अटैच कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अब सही लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का डेटा टाइप है इंट, तो परसेंट डी। दूसरा है रेट, रेट का डेटा टाइप है फ्लोट, परसेंट एफ। तीसरा है टाइम, टाइम का डेटा टाइप है इंट, परसेंट डी। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल कॉमा एड्रेस ऑफ रेट कॉमा एड्रेस ऑफ टाइम, बस हो गया ये छोटा सा प्रोग्राम। चलिए रन करते हैं। वो रेट, प्रिंसिपल रेट टाइम मांग रहा है, मैंने डाला 1000। रेट मैं डेसिमल में डाल सकता हूँ जैसे कि 2.5, और टाइम मैंने डाल दिया 4 ईयर्स। ये आ गया आपका इंटरेस्ट 100 रुपये। ठीक है, छोटे कोई डिफिकल्ट नंबर लेते हैं। 1234 प्रिंसिपल, रेट है 3.4 और टाइम है 7। हाँ, अब सही है ना। इंटरेस्ट इज 293.69207। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ओके रोहित, ब्रैकेट्स गलत यूज किए हैं आपने। पैरेंथेसिस या कर्व ब्रैकेट्स आएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। अब बताओ इस प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो इस प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल सही रोहित सबको बनाना आ गया बेसिक प्रोग्राम। तो फिर एक प्रोग्राम दे दूँ होमवर्क के लिए। चलो अच्छी बात है, सबने यस लिखा है, तो प्रोग्राम हम शेयर करते हैं। इसको मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ। अब ये जो प्रोग्राम है, कई बार एग्जाम्स में एज एन एल्गोरिथम आ चुका है। प्रोग्राम भी, प्रोग्राम थोड़ा रेयर आया, और ये अपन ने पहले किया भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इज, राइट ए प्रोग्राम WAP टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू, अरे डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो सेल्सियस होता है वो होता है इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है।